हेलो गाइज वेलकम टू साइंस वर्कशॉप दिस इज़ कुसुम हेयर गाइज़ अप्लाइड जुलॉजी के अंदर जो है ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लैक कल्चर जो कि बी एस सी पार्ट थर्ड के अंदर जो पेपर है अप्लाइड जुलॉजी उसके अंदर है और अगर आपको इसका पी डी एफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एज़ वेल एज़ आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो अप्लाइड जूलोजी के अंदर बी पार्ट थर्ड के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो अपने सिलेबस में है और इसके अंदर वर्मिक कल्चर और सैरी कल्चर इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुकी हूँ आपको अलग से जो है अप्लाइड जूलोजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पर और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैक कल्चर के बारे में और आने वाले वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे सो लैक कल्चर की बात करूँ तो लैक कल्चर के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है सो लैक कल्चर होता क्या है लेक इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन क्या है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है लेक की लैक इंसेक्ट जो है उसका बायोलॉजी क्या है होस्ट प्लांट क्या है यानी कि लैक जो इंसेक्ट है लैक इंसेक्ट जो है वो किस प्लांट पे रहता है ठीक है उसी को हम होस्ट प्लांट बोलते हैं स्ट्रेंथ्स क्या है लेक के और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने मार्क किया है लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट यानी कि लैक इंसेक्ट का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में पढ़ना है और लैक कल्टीवेशन कैसे होता है क्या क्या स्टेप्स होती हैं वो पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ लैक लैक के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो हमें कवर करने हैं लेकिन ये एक ही वीडियो में ये हम कवर नहीं करेंगे हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे ठीक है क्योंकि मटेरियल थोड़ा ज्यादा है तो उसमें टाइम लगता है और वीडियो जब बहुत लंबा चला जाता है तो वो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। सो so, फर्स्टली अगर हम देखे तो हम देखते हैं कि लैक कल्चर क्या है लैक कल्चर क्या है जो टर्म है लैक लैक का सबको पता होगा कि हम यहाँ पे लाख की बात कर रहे हैं लाख की चूड़े लाख की चूड़िया सबने नाम सुना होगा है ना लाख की चूड़िया सबने नाम सुना होगा सो so, लैक जो टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुआ है एक संस्कृत वर्ड आता है संस्कृत आता है और वो संस्कृत वर्ड क्या है लक्षा 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 से ये शब्द बना है क्या बना है लेक बना है और इस लक्षा का मतलब क्या होता है ए हंड्रेड थाउजेंड यानी कि एक हजारों आ, हजारों बोल सकते हैं और ये लेक इस, इसको वर्ड क्यों दिया गया क्योंकि जो लैक का प्रोडक्शन होता है ना उसके अंदर ला आ, मतलब लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट जो है बहुत ज़्यादा संख्या में इंसेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसी वजह से ये इसको लेक नाम दिया गया सो so, लेक जो है यानी कि लाख जो है वो एक रिजीन होता है और जो लेसिफर लेक का इंसेक्ट है लेसिफर लेक का इंसेक्ट है ये अपनी बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सीक्रेशन करता है प्रोड्यूस करता है और इस प्रोटेक्टिव सीक्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं लेक बोलते हैं ये जो प्रोटेक्टिव सीक्रेशन है लेसिफर लेका का ये ब्राउन कलर का रेजिनस सब्सटेंस होता है गाइस ठीक uh, है ये जो सीक्रेशन है ये ब्राउन कलर का रेजिनस सब्सटेंस होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम लेक बोलते हैं सो जो इंसेक्ट है so, लेसिफर ले का इंसेक्ट है वो रेड कलर का लार्वा निकलता है उसके एग से और ये जो लार्वा है वो होस्ट प्लांट की सूट्स पे सेटल हो जाता है सूट्स पे सूट्स का मतलब पता हो तो देखो जो पौधे पो, का प्लांट का जो ग्राउंड से नीचे पार्ट होता है उसको तो हम बोलते हैं रूट सिस्टम लेकिन जो ग्राउंड से अपर पार्ट होता है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं सूट सिस्टम बोलते हैं और इसी सूट सिस्टम पे जो लार्वा है इंसेक्ट का वो क्या हो जाता है यहाँ पे आके सेटल हो जाता है अब लार्वा यहाँ सेटल हो गया तो अब इसका ग्रोथ होगा ये यह यहाँ पे फीड करेगा यहाँ पे सैप्स पे यानी कि कुछ प्लांट के रस वगैरह पे जो है फीड करता है ये लार्वा और अपनी ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद में ये क्या करता है उस प्रोटेक्टिव ये जो प्रोटेक्टिव सीक्रेशन है उसको प्रोड्यूस करता है इस प्रोटेक्टिव सीक्रेशन को प्रोड्यूस करता है और ये प्रोटेक्टिव सीक्रेशन से इसकी जो बॉडी है वो कवर हो जाती है इसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से कवर हो जाती है और इस प्रोटेक्टिव सीक्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं गाइस इस प्रोटेक्टिव सीक्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं लैक बोलते हैं आई होप समझ आ गया होगा जो लैक है ठीक है ये लक्सा वर्ड से डराइव हुआ है लक्षा वर्ड संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ए हंड्रेड थाउजेंड हजारों ऐसा बोल सकते हैं इसके अंदर क्योंकि लैक जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा संख्या में जो है वो लैक इंसेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इसके प्रोडक्शन में इसलिए इस वर्ड को लिया गया है लैक और इसका जो लार्वा है वो प्लांट की सूट सिस्टम पे क्या कर जाएगा सेटल कर जाएगा और ग्रोथ करेगा देन एक प्रोटेक्टिव सीक्रेशन प्रोड्यूस करेगा इस प्रोटेक्टिव सीक्रेशन को ही हम लैक करते हैं और ये जो प्रोटेक्टिव सीक्रेशन है वो पूरी बॉडी को क्या कर लेगा कवर कर लेगा सो so, जो लैक इंसेक्ट है ये जो लैक इंसेक्ट है इसको हम क्या करते हैं पालते हैं भाई रियर करते हैं या फिर पालते हैं इसकी जो रियरिंग है और हम इसको पालते क्यों हैं इसको रियर क्यों करते हैं के प्रोडक्शन के लिए क्योंकि हमें लैक चाहिए इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं पाल रहे हैं या फिर रियर कर रहे हैं सो so, ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है लैक का इसके लिए जब हम लेक इंसेक्ट को रियर करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं लेक कल्चर बोलते हैं ठीक है ठीके? इंसेक्ट को जब कमर्शियल लेक प्रोडक्शन के लिए रेयर करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं लेक कल्चर बोलते हैं so आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल है ये पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और रियरिंग ऑफ लेक इंसेक्ट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द लेक इज कॉल्ड एज लेक देन नेक्स्ट देखते हैं गाइज इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है लेक इंसेक्ट का इसका जो किंगडम है वो है एनिमेलिया फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है इंसेक्टर क्लास के अंदर आता है ऑर्डर इसका हैमिपटेरा है और फैमिली जो है वो लेसिफेरिडी है जीनस जो है वो लेसिफर और स्पीसीज जो है वो लेका सो साइंटिफिक नेम जब हम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म uh, को तो उसको जीनस और स्पीसीज को मिला के देते हैं सो so, फर्स्ट जो नाम होता है वो जीनस का होता है लेसिफर और सेकंड जो वर्ड होता है वो स्पीसीज का होता है लेक का और स्पीसीज का फर्स्ट जो वर्ड वर्ड uh, है ये लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल होता है इसका ध्यान रखना सो so, इसका जो साइंटिफिक uh, नेम हो गया इस इंसेक्ट का वो क्या हो गया लेसिफर लेक का हो गया सो so, ये क्लासिफिकेशन था लेक इंसेक्ट का नेक्स्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका क्या यूजेस है लेक के मोस्टली जैसे मैंने बताया कि जो बैंगल्स होते हैं यानी चूड़ियाँ जो होती है उनको बनाने के लिए लेग का यूज़ किया जाता है सेकेंड है लेग का जो यूज़ है वो बच्चों के खिलौने बनाने के लिए यानी कि टॉयज़ फॉर किड्स प्रिपेयर करने के लिए जो लेग का है वो यूज़ किया जाता है इसके साथ ही साथ जो इंक है पॉलिश हो गई इन सब को बनाने के लिए भी लैग का यूज़ किया जाता है जो वुड वर्क है यानी कि लकड़ी का जो काम है उसमें भी लैक का यूज किया जाता है और साथ ही साथ जो ऑर्नामेंटल थिंग्स हैं ऑर्नामेंटल थिंग्स का मतलब क्या हुआ कि जो सजावटी वस्तुएं होती हैं, उनको बनाने के लिए भी लेक का यूज किया जाता है इसके अलावा जो मिरर होता है मिरर होता है उसके बैक में एक पॉलिस की व्यू की व्यू होती है ठीक है और तो उसके अंदर में भी क्या होता है प्रोसेस ऑफ सिल्वरिंग द बैक ऑफ मिरर, उसके जो पॉलिस की भी होती है बैक में आपने देखा होगा मिरर को और उसके बैक में एक पॉलिस की भी होती है उस वो जो पॉलिस है उसके अंदर में भी क्या होता है लैक जो है उसका यूज़ किया जाता है तो ये कुछ यूज़ेस हैं लैक लैक के और लेकल्चर का इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं हम क्योंकि लेक कल्चर से ही हमें क्या प्रोड क्या मिलता है लेक मिलता है सो so, लेक को बैंगल्स बनाने के लिए बच्चों के खिलौने बनाने के लिए इंक और पॉलिश बनाने के लिए और वुड वर्क में और सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए और मिरर है उसके पीछे जो पॉलिश है उसको बनाने के लिए उस प्रोसेस के अंदर जो है वो लैक का यूज किया जाता है नेक्स्ट देखते हैं गाइस बायोलॉजी ऑफ लैक इंसेक्ट लैक इंसेक्ट का बायोलॉजी क्या है जो लेसिफ लेका ये जो इंसेक्ट है ये ये जो इंसेक्ट है ये क्या करता है लेक का प्रोडक्शन करता है भाई और इस लेसिफर का इंसेक्ट की जो फीमेल है वो वीवी पैरस होती है और बच्चों को जन्म देती है और एक हज़ार जो निम्ब्स हैं उसको प्रोड्यूस करती है ये जो निम्स हैं वो डीप रेड कलर के होते हैं और इनकी जो आई हैं आई जो हैं वो ब्लैक होती हैं इनकी बॉडी जो है वो, वो सॉफ्ट होती है और लेंथ में ये जीरो पॉइंट सिक्स एम एम के होते हैं तीन पेयर इनके अंदर क्या होती है लेग्स पाई जाती हैं और एक पेयर जो है वो एंटेना इसके अंदर प्रेजेंट होती है सो so इसका जो लार्वा है वो इस इंसेक्ट का जो लार्वा है वो सुटेबल प्लेस पे हॉस्ट प्लांट पे क्या हो जाएगा सेटल हो जाएगा अब जब ये दो दिन हो जाएंगे इसके सेटलमेंट को उसके बाद में ये जो लार्वा है इस इंसेक्ट का वो लेग को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा अपनी बॉडी के चारों तरफ और देन उसकी बॉडी है वो इससे कवर हो जाएगी इस सब्सटेंस से जो लेग सीक्रेशन है वो मैक्सिमम हम देखते हैं कि जो अबडोमिन का टिप होता है अपडोमिन यानी बॉडी का जो लास्ट पार्ट होता है ना बैक पार्ट होता है वहाँ पे आपको एक छिद्र देखने को मिलेगा या फिर जो रोस्ट्रम स्पायरेकल होता है जो बॉडी के आगे होता है वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो लैक है वो सीक्रेट होता है इसके अलावा बॉडी से कहीं से भी जो लैक का सिक्रेशन नहीं होता है और ये जो लैक का सिक्रेशन ये इंसेक्ट है क्यों करता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और उसकी बॉडी जो है वो उसके चारों तरफ जो है ये लैक कवरिंग बना लेता है यानी उसकी बॉडी है वो लैक से ही कवर हो जाती है तो जब जो बॉडी कवर हो गई इससे तो उसको हम बोलते हैं सेल ऑफ लैक ये मान लो ये सेल है सेल ऑफ लैग और इसके अंदर जो है वो इसकी बॉडी है ठीक है खैर डायग्राम तो नहीं बना रही लेकिन ये मान लो इसकी बॉडी है और ये बाहर से इसकी लेयर बन गई लैग की और ये इस लैग की लेयर जो बनी बन है उसको हम सेल ऑफ इंसेक्ट बोलते हैं ओके okay. मतलब टाइम के साथ साथ में क्या होगा ये साइज में इंक्रीज इंक्रीज होता जाएगा और जो इंसेक्ट का साइज है उस वो भी इंक्रीज होगा और जैसे जैसे इंसेक्ट का साइज इंक्रीज होगा ये जो लैक का लेयर है इसका भी इंक्रीजमेंट हो जाएगा ठीक है सो जो फीमेल निम्फ है वो रीगेन नहीं करती है अपेंडेजेस को इट रिमेन्स अंडर द लैग सेल ये ये जो है वो लैग सेल के अंदर ही रहती है जो फीमेल है उसको तो भाई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती है ना तो वो रीगेन क्यों करेगी अपेंडेजेज़ को उसको तो कहीं चलना ही नहीं होता है तो ये लेग सेल के अंदर ही रहती है और यहीं पे क्या हो जाती है एडल्ट हो जाती है और यहीं पे क्या कर लेगी रिप्रोड्यूस कर लेगी अगर इनको रिप्रोडक्शन करना है तो मेल यहाँ इनके पास में आएगा इनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती इसी वजह से जो अपनडिजेज हैं वो इनकी इनके पास में नहीं होती लेग्स जो है वो जो चलने के लिए जो चाहिए होता है वापस रीगेन नहीं करती वो एज द लैक इंसेक्ट रिमेन क्लोजर टुगेदर लैक सीक्रेशन फ्राम adjacent सेल कॉलेसेज विद ईच अदर एंड इट देन फॉर्म्स ए कंटिन्यूस एनक्रस्टेशन ऑन द ट्री ब्रांच ये एनक्रस्टेशन का मतलब क्या हुआ कि जो परत बन जाती है ना मान लो ये कोई ट्री ब्रांच है ये कोई ट्री ब्रांच है ठीक है इसके बाहर क्या हो रहा है लेक जो आ, सीक्रेशन हो रहा है उसकी क्या बन रही है परत बन रही है लेयर बन रही है ठीक है और ये लेयर भी मोटी होती जाती है जैसे जैसे लेक इंसेक्ट जो है वो साइज में बड़ा होता जाता है तो ये लेयर भी क्या हो जाती है मोटी होती जाती है यानी थिक होती जाती है बढ़ती जाती है साइज इसका भी बढ़ता जाता है तो ये जो लेयर है इसी को हम क्या बोलते हैं एनक्रस्टेशन बोलते हैं ओके मेल जो है मील वो ओवर द लेग एनक्रिस्टेशन ये इस एनक्रस्टेशन को पार करके फीमेल के पास में आता है देन फीमेल को क्या करता है फर्टिलाइज करता है इनसाइड द सेल मतलब उस सेल के अंदर ही इसको फर्टिलाइज करेगा फीमेल को बाहर आने की जरूरत ही नहीं भाई वहीं पे इसको फर्टिलाइज करेगा और uh, थ्रू एनाल ट्यूबर uh, ट्यूबर कोलर ओपनिंग फीमेल आफ्टर मेचोरिटी ग्रो वेरी फास्ट एंड सीक्रेट लेग अबर्डेंटली जो फीमेल है वो मैच्योरिटी के बाद में बहुत ज़्यादा तेजी से जो है वो ग्रो करती है और लैक जो है ये एल ए सी के नहीं आएगा ये एल ए सी है ठीक है लैक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो सीक्रेट करती रहती है जो साइज ऑफ द फीमेल सेल इज सेवरल टाइम्स लार्जर देन मेल सेल जो फीमेल्स का जो सेल होता है लैक ऑफ सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लैक ऑफ सेल होता है वो मेल के कंपेरिजन में बहुत बड़ा होता है साइज में ठीक है यानी कि फीमेल बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करेगी लैक का प्रोडक्शन करेगी यानी कि वो जो सीक्रेट सीक्रेट करती है रेजनस सब्सटेंस को वो मेल के कंपेरिजन में फीमेल ज्यादा प्रोड्यूस करती है सो so गाइज ये था बायोलॉजी ऑफ लैग इंसेक्ट यानी कि जो फीमेल है उसकी बॉडी कैसे होती है वो कैसे कैसे रहती है और कैसे वो सीक्रेट करती है लेक uh, जो सब्सटेंस है रेजिनस सब्सटेंस उसके बारे में था नेक्स्ट देखते हैं कि जो लैग इंसेक्ट है वो किस प्लांट पे रहता है उसका होस्ट प्लांट क्या है होस्ट प्लांट की बात करें तो जो लैक इंसेक्ट है वो मेनली पलास हो गया कुसुम हो गया और बेर हो गया ठीक है तो इन प्लांट्स ये प्लांट्स के कुछ नाम हैं तो इन प्लांट्स पे जो है ये इंसेक्ट रहता है और ये जो इंसेक्ट है एज ए पैरासाइट इनके ऊपर रहता है ठीक है परजीवी के रूप में जो है वो इंसेक्ट इन होस्ट प्लांट के ऊपर रहता है और ये जो इंसेक्ट है वो फीड करते हैं सैप पे ट्रीज के सर्टेन ट्रीज और स्रब्स है उसके सैप पे जो है वो फीड करते हैं शैप का मतलब जो ट्रीज और सब्स के रस हो गए ठीक है उस पर जो इंसेक्ट है ये फीड करेगा लगभग हम देखते हैं कि 400 सौ प्लांट स्पीसीज है जिनके ऊपर ये लैक इंसेक्ट जो है वो पाया जाता है अपने होस्ट प्लांट की तरह उन 400 सौ प्लांट स्पीसीज को ये क्या करेगा यूज करेगा रहने के लिए मैक्सिमम देखने को मिलता है ये प्लांट फोर हंड्रेड की बात करें तो दो टाइप के जो स्ट्रेन्स पाए जाते हैं और एक हो गया कुसुमी, और दूसरा हो गया रंगेनी तो जो कुसुमी है वो स्ट्रेन कुसुम ट्री से रीज होता है और जो रंगेनी ट्रेन है वो उसका होस्ट क्या होता है पलास हो सकता है बेर हो, गौन, हो सकता है तो कुसुमी जो स्ट्रेन है वो कुसुम नाम के प्लांट से क्या होगा बनेगा और जो रंगीनी स्ट्रेन जो है वो पलास के ट्री से बीर के ट्री से या गोइंट ट्री से जो है इनके ऊपर भी प्रोडक्शन इनका हो सकता है ईच ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस टू क्रॉप पर ईयर जो मान लो कुसुमी प्लांट है ये भी एक साल में दो क्रॉप का प्रोडक्शन करता है और जो ये बाकी जो प्लांट्स है पलास बीर गोइंट ये सारे भी क्या करते हैं साल में दो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो इस तरह से साल के अंदर चार क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएंगे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सो so, तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए अपनी तरफ से तो आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो ये हम कवर करने वाले हैं ही लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट के बारे में सो so, तब तक के लिए बाय गर्ल्स